फ्रेंच फ्राइज आलू से कैसे बनाना है बताती हूँ। ये मैंने 6 आलू लिए हैं, जो इस तरह से बड़े बड़े आलू लिया है, इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम इसको कवर निकाल देते हैं, एक एक आलू का कवर हम इस तरह से निकाल देंगे। मैंने इस तरह से अपने जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, मैंने चाकू से इतना इस तरह से काट लिए हैं। ज़्यादा बारीक मत रखिए, थोड़े से मोटे रखिए, क्योंकि अपन जब फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा मोटा ही रहे तो सही रहेगा। मैंने बीच में से इस तरह से इसको पहले से कट कर लिया है, कट करके हम इस तरह से इसको काट लेंगे। आप चाहें तो आले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नाइफ से ही काट रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से इसके स्लाइसेस काट लिए हैं। अब मैं इसको अपने बाउल में डाल रही हूँ। चलिए ये मैंने डाल दिया, अब हम इसको अच्छे से धोएंगे। जब काटते हैं तो इसमें थोड़ा सा वाइट ये जो है ये ज़्यादा निकलता है, तो अपने को 3 से 4 पानी से इसको इस तरह से धोएं ताकि इसका जो मैल है सारा निकल जाए। मैंने धो के और एक बाउल में डाल रही हूँ। इसका पानी निकाल दिया, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी, फिर और एक बार धोऊँगी। 3 से 4 पानी में मैंने अपने जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो धो लिया है, और अपने पैन में तेल भी गर्म कर चुकी हूँ मैं। अब इसमें हम अपना आलू डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करिए, क्योंकि पूरी तरीके से अपने को इसको फ्राई नहीं करनी है, थोड़ा सा हल्के से फ्राई करिए, फिर उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने हल्के से फ्राई कर लिया है, और छन्नी में इसमें डाल दिया है। नीचे टिश्यू पेपर ना रखें, छन्नी में ही डालें। दूसरे भी इसी तरह से मैंने डाल दिया है। अब इसको हम हल्के से फ्राई करेंगे, फिर बाद में हम इसको फ्रिज में रख के फिर एक बार फ्राई करना है। मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, अब हम इसको अपने छन्नी में से ये देखिए मैंने हल्के से इसको फ्राई कर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें बॉल को बस निकाल देना है, अपनी ट्रे में डाल देंगे। ठंडा होने के लिए ये 15 मिनट के लिए हम इसी तरह इसको रखेंगे। उसके बाद फिर 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में भी ये भी फ्रिज में रख दूंगी, फिर बाद में इसको फ्राई करेंगे। ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अपने ठंडे हो गए। अब फिर से हम इसको फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई। अपना पैन भी गर्म हो चुका है, ऑयल भी गर्म कर दिया मैंने। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे। इसको फ्राई कर दें इस तरह से, डीप फ्राई अच्छे से करें इसको, ताकि ये तब तक क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं, गोल्डन कलर के भी हो चुके हैं। अब हम इसको फिर से अपनी छन्नी में निकाल देंगे। इस तरह से डबल आप फ्रेंच फ्राइज जब फ्राई करोगे तब क्रिस्पी बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप सेम मैकडोनल्ड्स के और पिज़्ज़ा हट के जो आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं उसी तरह का ये टेस्ट आएगा। थोड़ी सी मेहनत है, दोनों बार फ्राई करना है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो बॉईल भी करके ये फ्रेंच फ्राइज बनाया जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बनाइए आप, अच्छा लगेंगे। ये देखिए मैंने अपने सारे फ्रेंच फ्राइज इसमें डाल दिया है तलकर। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये देखिए अच्छे से टूट रहे हैं, कुरकुरे हो गए हैं, क्रिस्पी टाइप के। अब हम इसको इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च मिक्स। ये देखिए
कितने अच्छे से अपने फ्रेंच फ्राइज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको अपने प्लेट में सर्व कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से और जल्दी से बना लिया है अपने फ्रेंच फ्राइज़। आप इस तरह से इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही लाजवाब है, टेस्टी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।